हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ उस स्प्राउट मूंग की सब्जी, जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही इसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन से भरपूर होता है। तो इसको हम फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्प्राउट मूंग को हम सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो बनाने से पहले मैं इसको पहले बॉयल करूंगी फ्रेंड्स। तो इसको कुकर में इसको हमको ऐड करना है, तो मैं इसको कुकर में ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसको अच्छे से वाश कर ली थी फ्रेंड्स, इसको मैं कल सुबह मॉर्निंग में भिगोई थी और शाम को इसको कपड़े में बांध करके रखी थी। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा मूंग है जो स्प्राउट हो गया है, और मैं इसका सब्जी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो सब्जी बनाने के लिए मैं फ्रेंड्स, ये 250 ग्राम मूंग मेरा था, और इसको मैं 250 ग्राम नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा 150 ग्राम मूंग था, फूल करके ऐसा हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अब पानी को ऐड करूंगी फ्रेंड्स। तो इसके मतलब बराबर भीगने तक मैं इसमें पानी ऐड करूंगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मेरा मूंग अच्छे से ऊपर तक पानी आ गया है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर को, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा नमक ऐड करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें ऐड करूंगी, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसको मैं एक विसल तक इसको बॉयल करूंगी। तो मैं इसको बंद करके फ्रेंड्स और गैस के फ्लेम को ऑन कर दे रही हूँ। तो गैस को फ्लेम को ऑन करके फ्रेंड्स, मैं कुकर को रख दी हूँ और एक विसल तक इसको मैं बॉयल करूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरी सब्जी बॉयल हो रही है, तब तक मैं अपना जो दो प्याज था इसको मैं चॉप कर ली हूँ, और फ्रेंड्स ये दो टमाटर थे इसको मैं चॉप कर ली हूँ। तो इस दोनों को मैं ग्राइंड करूंगी। और फ्रेंड्स, जो है अदरक और लहसुन है और हरी मिर्च, मैं इसको खलबट्टे में कूट ली थी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ग्राइंड करके, जब तक मेरा वो स्प्राउट मूंग बॉयल हो रहा है, तब तक मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने प्याज को अच्छे से मैं ग्राइंड कर ली हूँ, और ये टमाटर है जो, उसको भी मैं ग्राइंड कर ली हूँ फ्रेंड्स। तो अब चल रही हूँ कुकर में, देख रही हूँ कि मेरा दाल अच्छे से, दाल नहीं सॉरी दोस्तों, मेरा मूंग सीड्स जो है, स्प्राउट मूंग्स जो है, वो अच्छे से हुआ है कि नहीं मैं देख रही हूँ उसको। तो इसका एक विसल आ गया है दोस्तों, गैस भी निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरा जो है मूंग जो है अच्छे से पक गया है। अब मैं सब्जी बनाने की तरफ चलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको साइड में करती हूँ, अब पैन को रखती हूँ इस पे। तो फ्रेंड्स, मैं पैन को रख दी हूँ और ऑयल को इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं ऑयल को ऐड कर दी हूँ और इसी में तड़के में डालूंगी फ्रेंड्स 1 दालचीनी और जीरा, जीरा है देखिए फ्रेंड्स, इसको डाल रही हूँ तड़के में। तो फ्रेंड्स, मेरा जीरा जो है तड़कने लगा है, अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड्स जो अपना प्याज है जिसको ग्राइंड कर ली हूँ, तो इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हमको फ्राई करना है, जब तक कि अच्छे से फ्राई न हो जाए, जब तक इसे तेल जो है ऑयल है रिलीज न हो जाए, तब तक इसको हमको फ्राई करना है अच्छे से।
इसी में फ्रेंड्स मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को और अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं खरबट्टे में इसको कूट ली थी और दो हरी मिर्च है इसको इसमें ऐड करके इसको भी इसमें फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए फ्रेंड्स। इसको भी इसमें मैं फ्राई कर लूंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेरा जो है प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है, साइड साइड से ऑयल भी रिलीज हो रहा है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी अपने टमाटर के प्यूरी को जो ग्राइंड की हूँ, इसको भी इसमें डाल करके हम फ्राई कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं मूंग में भी नमक ऐड की थी जो बॉयल कर रही थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से मेरा जो क्या है ना कि अच्छे से भुना जाता है। जब इसमें नमक ऐड कर देते हैं ना तो कोई भी जैसे प्याज आप भूज रहे हो तो उसमें नमक ऐड कर दोगे तो जल्दी गल जाएगा अच्छे से, तो वही चीज़ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि जल्दी ये अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स ये भी मेरा फ्राई हो गया है अच्छे से, देखिए साइड साइड से तेल रिलीज कर रहा है। तो मैं इसमें मसाले को ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जब भी फ्रेंड्स आप मसाला ऐड करें तो जो हमारा गैस का को लो फ्लेवर कर आंच कर दीजिएगा क्योंकि हाई करेंगे ना, लो फ्लेम नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो जल जाएगा, तो हमेशा लो फ्लेम कर दीजिएगा। और इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी फ्रेंड्स लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून फ्रेंड्स मैं ऐड करूंगी इसमें मरीच पाउडर ब्लैक पेपर, और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा तीखी वाली मिर्च हो मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं घर पर बनाई हूँ ये मसाला है, मैं घर पर का ही मसाला बनाकर डालती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि घर का जो होता है शुद्ध होता है सही होता है। तो फ्रेंड्स मैं छोटे स्पून से 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें और थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं 1 टेबल स्पून फ्रेंड्स मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ इसमें, और फ्रेंड्स इसमें सभी मसालों को मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डालेंगे, मैं उसमें भी हल्दी डाली थी फ्रेंड्स तो थोड़ा सा इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, मतलब जान लीजिए 1/2 टेबल स्पून हल्दी है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से हमको फ्राई करना है। इसको हमको फ्रेंड्स अच्छे से फ्राई करना है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती हूँ और गैस का फ्लेम जो है लो मीडियम करके हमको अच्छे से इसको फ्राई कर देना है। थोड़ा सा और डाल दूंगी इसमें, अब इसको हमको अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से हमको फ्राई करना है ताकि साइड साइड से इसका जब तेल रिलीज होने लगेगा तो मैं इसमें अपने मूंग को ऐड करूंगी जो बॉयल की हूँ। तो थोड़े देर तक इसको फ्राई करना है अभी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप मेरा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है क्योंकि साइड साइड से इसका रिलीज हो रहने लगा है, ऑयल जो है ना अच्छे से रिलीज हो रहा है। तो मैं इसमें अपने स्प्राउट मूंग को जो बॉयल की हूँ उसको ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स इसको भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा सब्जी बनके तैयार हो गई है मूंग की। तो फ्रेंड्स आपको जैसा सूखी सब्जी बनानी है इसकी की ग्रेवी वाली बनानी है उस हिसाब से आप लोग बनाइएगा।
फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा सा पानी को ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स इसको हम ढक करके 2 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि मेरा मूंग तो अच्छे से पक चुका है, जो मसाला और पानी को ऐड की हूं ना, तो इसको 2 मिनट तक पकाना है हमको। तो इसको 2 मिनट पका लेंगे, इसको ढक देंगे। तो फ्रेंड्स इसको चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो आप देख सकते हो मेरी स्प्राउट मूंग की हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और इसमें ऐड कर देते हैं हम कसूरी मेथी को। ये मैं कसूरी मेथी ली हूँ, इसको क्रश करके इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं। फिर इस पर से मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ती। और इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मेरा सब्जी, जो स्प्राउट मूंग की सब्जी है, हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपका आपको मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत आशा के साथ वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे वीडियो पर जरूर ध्यान दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगले नए रेसिपी के साथ आऊंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।